फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एटीएस किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी कचौरी। इसके लिए हमने ले लिए हैं बॉईल किया हुआ आलू 3 मीडियम साइज का, और फिर इसमें जाएगा हरा वटाना, और ये 1.5 ओनियन को हमने फाइनली चॉप किया है, और 3 से 4 हरी मिर्ची भी है। आप हरी मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस कर लिया। मसाले में 1 बड़ा चम्मच भर के ज़ीरा है, और 1 चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया, साबुत धनिया। इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और पाउडर में हमने लिया है 1 पिंच हल्दी, और 1 पिंच हींग, और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये अजवाइन हमने लिया है थोड़ा सा, और नमक। और ये हमने मैदे को सानने के लिए, मैदे को डो बनाने के लिए हमने लिया है इसमें वेजिटेबल घी, जिसे हमने पिघला के लिए है, और ये 1 कप मैदा। नमक इसमें डाल देते हैं हम, और अजवाइन को हम हाथों हम अच्छे से मसल के फिर इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच वेजिटेबल घी, इसे बराबर से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये बंद जाना चाहिए, तभी हमारी कचौरी खस्ता बनेगी। अब हम इसे पानी से डो बना लेते हैं, पानी से सान के। डो देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने बाद हमने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। ये साबुत मसालों को हमने दरदरा पीस लिया था, इसे हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये ऑनियन और मिर्ची और अदरक। इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे वटाना। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी, हींग और मिर्ची पाउडर। और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 1 बड़ा चम्मच है ये। इसे भी अच्छे से भून लेंगे, ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तब हम इसमें आलू डालेंगे बॉईल किया हुआ। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे टोटल भूनते हुए 5 मिनट लगा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वटाना अभी थोड़ा कच्चा पक्का है, लेकिन कचौरी को हम धीमी आंच में तलते हैं, इसलिए वो साथों साथ हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये बॉयल वाले आलू। इसे हमने मैश कर लिया है हाथ से ही, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम इसका बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बॉल बना लीजिए पूरे का। फिर अब हम इसका अंदर भरेंगे। देखिए, अच्छे से डो रेडी हो गया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से इसे बॉल बना लेंगे छोटा सा, फिर हम इसे ऐसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देते हैं, और ये साइड से हम दबाते हुए जाएंगे, और बीच में भी दबाते हुए जाएंगे। प्रेस कर देते हैं,
और ये साइड से हम दबाते हुए जाएंगे और बीच में भी दबाते हुए जाएंगे। अब हम बॉल को अंदर रखेंगे इसके, ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसे खींचते हुए ऐसे लेके आएंगे। इसका एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देंगे या तो फिर ऐसे मोड़ देंगे इसके अंदर ही इस तरीके से। फिर हम इसे बीच में से प्रेस करेंगे ऐसे। ये देखिए रेडी हो गया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं किए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ये हीट है। आप भी इतने ही रखें, एक बैग बहुत ज़्यादा हीट रहेगा अगर आप डालेंगे तो फटाक से लाल हो जाएगा, अंदर की कचौड़ी कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए आप भी इसी टेम्परेचर पे रखें। इसे हम टच नहीं करेंगे अभी, ये धीरे धीरे जैसे बनेगा वैसे ही ऊपर आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से हमारी फूली फूली कचौड़ी बनी है और ऊपर भी आ गई है। इसे हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है, इसे हम अब निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। इसे पूरा टोटल फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लग चुका है। इसे बहुत ही पेशेंस के साथ में इसे फ्राई करना पड़ता है, स्लो टू लो में, लो टू स्लो। चलिए तो फिर रेडी हो चुका है, आप भी देख सकते हैं कितना डिलीशियस और टेस्टी बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी को और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।